हरिशुदर्शको हाँ वेद में आपका स्वागत है मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम बारह राशियों के बारे में आइए जाने थे आज का पंचांग आज है उन्नीस अप्रैल 2024 दिन है शुक्रवार तिथि है एकादशी जो कि रात आठ बज के चार मिनट तक रहेगी नक्षत्र रहेंगे मघा जिनके स्वामी है केतु जो की रात जो सुबह दस बज के सत्तावन मिनट तक रहेंगे उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है शुक्र इसके अलावा यदि हम राहुकाल की बात करें तो बारह बज के तेरालीस मिनट से लेके बारह बज के बीस मिनट तक रहेंगे और अभिजी

है जीवन साथी किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं साथ ही स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है इसके अलावा विद्यार्थी शुरुआत में निराशा से चिंतित हो सकती हैं लेकिन जल्दी ही उनको राहत देखने को मिलेगी तो निराशा बिल्कुल भी ना अपने मन में लाने दें कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो कुछ नकारात्मक रह सकते हैं इसके अलावा व्यवसाय में देर से सही लेकिन बात बनती नजर आ रही है खासकर यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं इसके अलावा कोई भय मन में सता सकता है किसी बात को लेकर चिंता आपकी भीतर देखी जा सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे पैंसठ प्रतिशत है भाग्य अंक आपका चार है दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो घर परिवार का सपोर्ट तो नहीं देख पाएंगे साथ ही बाद में कुछ परिवर्तन से भी गुजरना पड़ सकता है प्रेम संबंध को लेकर आपके मन में कुछ मन लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा किसी बात पे को लेकर आप थोड़ा अपसेट रह सकते हैं रियल स्टेट में शुरुआत में झटका लग सकता है और या कोई गलत निर्णय के चलते काफी भाग करनी पड़ सकती है इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे ही देख पाएंगे

साथ ही कुछ सपोर्ट की कमी भी देखने को मिल सकती है जीवन साथी किसी यात्रा पर देर से राजी होते नजर आ रहे हैं इसके अलावा विद्यार्थी किसी अन्य स्थान में जो इंस्टीट्यूट है वहां से काफी इंप्रेसिव रहेंगे बल्कि उनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है इसके अलावा सुनी सुने बात पर बिल्कुल विश्वास ना करें कार्य क्षेत्र में किसी ग्रोथ के स्थान आ, साथ आपको स्थान परिवर्तन का योग देखने को मिलेगा साथ ही कुछ अन्य परिवर्तन से भी गुजर सकते हैं व्यवसाय में लगातार लाभ तो देख सकते हैं लेकिन स्थान से बाहर यदि कुछ प्रयास करें तो वहां पे संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी बात पर या चाहे गलत हो या सही हो तुरंत पतिक्रिया बिल्कुल भी, तो भी जिम्मेदारी कतराते नजर आ रहे हैं लेकिन कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं हो पाएगा तो इसलिए आपको मानना ही पड़ सकता है प्रेम संबंध में आपके पार्टनर का कोई बात आपको कड़वी लग सकती है साथ ही साफ या स्पष्ट बोलना भी एक कष्टकारक हो सकता है अलावा जीवन साथी किसी बात को लेकर मायूस रह सकते हैं विद्यार्थी यदि बात करें तो किसी पर भरोसा ना करें आंख कर जब तक कि आपको सही जानकारी ना हो इसके अलावा में में संघर्ष लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी धैर्य बना के चले व्यवसाय किसी गुप्त डील में आना चाहेंगे इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शुरुआत में थोड़ा चिड़चिड़े जरूर रह सकते हैं भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे पैंसठ प्रतिशत है भाग्य अंक आपका तीन है पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार के कारण कुछ फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं साथी अगर प्रेम संबंध की बात करें तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा अपनी तरफ से कुछ भी कल्पना ना करें यह आपको uh, नकारात्मक सिचुएशन uh, में डाल सकता है जीवन साथी आपके व्यवहार से थोड़ा क्रोधित देख सकते हैं इसके अलावा व्यवसाय में किसी विपरीत स्थिति से बाहर निकलेंगे कोई नुकसान की भरपाई भी होते देख रहे हैं तो मन में किसी प्रकार का बोझ ना रखें यदि किसी प्रकार का बोझ आपके मन में महसूस होता है तो आपको किसी मंदिर में पे के पे आपकी श्रद्धा है कम से कम पांच या सात मिनट या दस मिनट आप बैठ के ईश्वर का जाप करें ध्यान करें आपके मन में जो भी माता के साथ कुछ झगड़ा या वाद विवाद देखा जा सकता है प्रेम संबंध में आपको अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा कुछ रास्ता तो फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिल पाएगा जीवन साथी आज के दिन उनके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखी जा सकती विद्यार्थी अपनी अपनी सोच के कारण कुछ बंदी या महसूस कर सकते हैं है। साथ ही कुछ उनको की भी सकती है। देखा जा सकता है से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है खासकर अपने स्थान से बाहर कुछ डील कर, कर रहे हैं या विदेश से कुछ डील कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है इसके अलावा आप किसी वहम का शिकार हो सकते हैं तो बहुत ही अपने दिमाग को खुला रखें साथ ही आप किसी बात पर जल्दी भरोसा ना करें भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे सत्तावे प्रतिशत है भाग्य अंक आपका साथ है सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार में बड़े भाई बहन के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है प्रेम संबंध में कुछ आज घुटन का एहसास हो सकता है साथ ही कुछ आपको स्पेस की कमी महसूस हो सकती है जीवन साथी किसी यात्रा में है तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं विद्यार्थी परिणाम को लेकर काफी शंकित रहेंगे साथ ही नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में कोई काम रुक रुक के ही बनेगा काफी संघर्ष की स्थिति शुरुआत शुरुआत में देखी जा सकती है व्यवसाय में कानूनी अड़चन के साथ साथ कुछ आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है इसके अलावा यदि हम स्वास्थ्य की बात करें

त्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए इसके अलावा कार्य क्षेत्र में किसी दुविधा के बारे में सोच कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे सत्तर प्रतिशत है भाग्य अंक आपका तीन है नौवीं राशि राशि के बारे में जान लेते हैं तो यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन पिता शुरुआत पे थोड़ा अवरोध डाल सकते हैं इसके अलावा प्रेम संबंध जल्दी पार्टनर का सहयोग आपको देखने को मिलेगा साथ ही आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ेगा इसके अलावा परिवर्तन की बात तो उस को कर काफी भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके अलावा कार्य क्षेत्र की तो छोटा कुछ नुकसान देखा देखने को मिल सकता है व्यवसाय में एक ही गलती बार बार दोहराएंगे तो आप अपनी दुविधा से या अपने जो भी अवरोध है या ऑब्स्टेकल है उसे बाहर कैसे निकलेंगे

मानसिक स्तर पर कुछ तनाव देखा जा सकता है विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ नया सोच सकते हैं कुछ नया करना चाहेंगे, में कुछ, जल्दी लेना चाहेंगे। में में कुछ प्रक्रिया फंस सकती है स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है कुछ कमजोरी इसके संदर्भ में देखी जा सकती है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे पचपन प्रतिशत है भाग्य अंक आपका छह है ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार

बेहतर महसूस करेंगे भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे प्रतिशत है। तो परिवार में कोई की जा सकती है। प्रेम संबंध में असहज महसूस कर सकते हैं साथ ही कुछ प्रतिक्रिया भी देकर आप कह सकते हैं कि फंस सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है उनके भीतर एक चिचड़ापन या गुस्सा देखा जा सकता है इसके अलावा जीवन साथी शुरुआत में कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे साथ ही जल्दी इसे बाहर निकलेंगे विद्यार्थी कॉम्पिटिशन में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में सब कुछ बेहतर है ज्यादा सोच विचार ना करें इसके अलावा व्यवसाय में कुछ निर्णय आपको आ, कह सकते हैं आपने जो निर्णय लिए कुछ गलत साबित हो सकता है इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो बीपी पी लोग की समस्या दी है तो थोड़ी बढ़ सकती है तो आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए भाग्य सपोर्ट की बात करें तो बावें प्रतिशत है भाग्य अंक आपका एक है दर्शकों आपके जो भी प्रश्न सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें Харикашна.